हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस रिवीजन ऑफ चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, टुडे इन विच वी विल डिस्कस रिवीजन नंबर 1। ठीक है, इस रिवीजन में मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको वीडियो को पॉज करके इसे क्वेश्चंस को करना है। अगर नहीं आता है तब वीडियो को कंटिन्यू देखिए। अगर कोशिश करिए कि अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तब मेरा एक्सप्लेनेशन आप सुनिएगा। हर केस में आप ऐसे ही करा करिए, क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। नहीं आता है कोशिश करने के बाद बहुत, तब मेरी वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज क्या मतलब है, फिर मैं एक्सप्लेन ही कर दे रही हूँ। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 75% ऑफ 32 स्टूडेंट आर नॉट गुड इन इंग्लिश, हाउ मेनी आर गुड इन इंग्लिश। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है 32 स्टूडेंट टोटल हैं, जिसके 75% स्टूडेंट अच्छे नहीं है पढ़ने में इंग्लिश में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें ये पूछ रहा है कि कितने अच्छे हैं वो बताइए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पहले हम ये निकाल लें कि कितने स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं, फिर टोटल तो हमें पता है 32 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने अच्छे हैं। जैसे अगर हम क्लास में पूछ रहा है अटेंडेंस, तो पहले हम ये फाइंड कर लें कितने प्रेजेंट हैं, तो टोटल से माइनस कर देंगे तो एब्सेंट पता चल जाता है। वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इस वैसे इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड हम आपको बता देते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट आर नॉट गुड इन इंग्लिश। तो हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन इंग्लिश इक्वल टू, तो कितने अच्छे नहीं है पढ़ने में, 75% 32 स्टूडेंट के अच्छे नहीं है, तो क्या हो जाएगा 75% ऑफ 32, तो कितना हो जाएगा 75% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, परसेंट हटा तो अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 32। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों 25 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों 25 के टेबल में आते हैं, 25 का टेबल आपको आना चाहिए, 25 थ्री जा 75, 25 फोर जा 100, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जा 32, तो 8 थ्री जा 24। ठीक है, ये हो गया। तो हमें ये पता चल गया जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे नहीं है वो कितने हैं, 24 हैं। तो हम ये पता करेंगे कितने अच्छे हैं, तो नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड इन इंग्लिश, आर गुड इन इंग्लिश इक्वल टू, तो टोटल 32 स्टूडेंट्स है, 24 माइनस कर देंगे तो 32 माइनस 24, तो कितने अच्छे नहीं है, दैट इज 8 स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट मेथड था। दूसरा मेथड ये था, देखिए 75% अच्छे नहीं है तो कितने परसेंट अच्छे हैं, तो परसेंट ऑफ स्टूडेंट आर गुड इन इंग्लिश पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं, तो कितने अच्छे नहीं होते, 25% अच्छे नहीं होते, तो 25% हम 32 स्टूडेंट का डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे, तब भी आपको 8 आंसर मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन संडे 845 पीपुल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपुल वेंट, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपुल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जू में संडे को 845 पीपुल विजिट करते हैं, लेकिन मंडे को पीपुल बहुत कम हो जाते हैं, कितने विजिट करते हैं, 169, तो काफ़ी डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो पूछ रहा है परसेंट के फॉर्म में बताइए कितना डिक्रीज हुआ है, अगर 845 से इतना डिक्रीज हो गया तो 100 से कितना, 100 के फॉर्म में बताइए कि कितना डिक्रीज हुआ। जब हम परसेंट बताते हैं तो हम बताते हैं कि 100 में कितना डिक्रीज हुआ, 8% हुआ, 8% क्या बता रहा है कि 100 में 8 कम हुआ, 40% क्या बताता है कि 100 में 40 कम हुआ। ठीक है, तो हमें परसेंट के फॉर्म में बताना है कि कितना डिक्रीज हुआ। तो आपको पता है किसी चीज़ का अगर परसेंट फाइंड करना हो तो हम पहले ये पता करते हैं कि वो कितना है, मीन्स डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है तो पहले पता करेंगे कि डिक्रीज कितना हुआ अपॉन
ओरिजिनल कितना था, मीन्स पहले कितना था। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले, कंफ्यूज मत होइएगा, जो पहला होगा वही नीचे लिखा जाएगा। मतलब फ्रैक्शन हो गया डिक्रीज अपॉन पीपल विजिट इन संडे, क्योंकि पहले तो वही था, फिर इंटू 100 कर देंगे, परसेंट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हमें दिया हुआ है गिवन में, कि ऑन संडे पीपल वेंट टू द जू इक्वल टू 845। प्रॉपर वे में लिखिएगा, ऑन संडे पीपल वेंट टू द जू, पीपल वेंट टू द जू इक्वल टू 845। ऑन मंडे पीपल वेंट टू द जू इक्वल टू 169। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कितना डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, संडे को इतने थे, अब कितने हो गए 169, तो माइनस कर दिए 15 माइनस 9 6, 13 माइनस 6 7, और फिर 7 माइनस 1 6, 676 पीपल कम हो गए संडे से मंडे को लेकर। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे डिक्रीज परसेंट, तो डिक्रीज परसेंट इक्वल टू आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू अपॉन पीपल वेंट ऑन द संडे, क्योंकि ओरिजिनल तो संडे ही को है ना, पहले तो यही था, फिर इसको आया दूसरे पे ना, तो ओरिजिनल ही हमेशा नीचे लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। तो डिक्रीज परसेंट पूछा है, तो डिक्रीज कितना हुआ 676, ओरिजिनल कितना है 845 इंटू 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम आपको बता दें यहाँ पे ये दोनों 13 से रिड्यूस होगा, सबसे अच्छा ये दोनों 169 से रिड्यूस होगा। ठीक है, मैंने रिड्यूस किया था, आप रिड्यूस करके देखिएगा, दोनों 169 से रिड्यूस होगा, तो 169 से रिड्यूस होगा तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 169 फाइव जा ये है, और 5 से हम इसको रिड्यूस कर देंगे, दैट इज 20, तो 20 इंटू 4 80% डिक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा है ये 80%, बहुत डिक्रीज हुआ, मीन्स 100 पीपल संडे को आए तो 80 कम हो गए, 20 पीपल मंडे को आए, ये बता रहा है 100 में 80 कम हो गया दूसरे दिन। ठीक है, ऐसे आप इंक्रीज परसेंट भी फाइंड कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा ओरिजिनल नीचे लिखते हैं हम किसी भी परसेंट में, चाहे इंक्रीज फाइंड करें चाहे डिक्रीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप सबसे पहले पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए तीनों को, नहीं आएगा तब देखिएगा वीडियो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 8% ऑफ एक्स इज 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर टोटल का 8% 24 है तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 8% ऑफ एक्स इक्वल टू 24 हमें दिया है ये। जब हमें टोटल फाइंड करना रहता है तो हम ऐसे ही करते हैं, टोटल का इतना परसेंट इतना है तो हम आराम से टोटल वहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, तो ये जगह 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8/100 ऑफ मीन्स इंटू एक्स इक्वल टू 24। ठीक है, सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। सो हम आपको बताए थे ट्रिक, यहाँ पे 8/100 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो 100/8 हो जाएगा। ठीक है, 8 1 8 8 3 24 दैट इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 300 आई है, मीन्स 300 का 8% 24 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने आंसर भी लिखा हुआ था इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ देयर विन परसेंट वॉज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। क्वेश्चन ये बता रहे कि फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते हैं जितने टोटल मैचेस हुए थे। ठीक है, ये नंबर के फॉर्म में बता दिया और बोल रहे परसेंट के फॉर्म में उनका परसेंट क्या है, विनिंग परसेंट ही दिया हमें। देखिए यहाँ पे भी 1% दिया, यहाँ पे भी विन परसेंट दिया है, अगर यहाँ पे लूज परसेंट दिया होता 40 तो विनिंग परसेंट हम फाइंड करते 60 आता। ठीक है, क्योंकि अगर लूज परसेंट हमारा 40% है तो विनिंग परसेंट 60% है, 100 माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज हमें विनिंग का ही दिया है, मीन्स 40% टोटल का कितना है
10 है। जैसे ये क्वेश्चन था वही चीज हो गया, हमें परसेंट भी दिया है, नंबर भी दिया है, टोटल मिसिंग है कि कितने मैचेस हुए थे, ठीक है। तो आराम से यही फॉर्मेट हम लिखेंगे क्या, 40% of x = 10। यहाँ पे हम लिखेंगे let the total number of matches they play in all be x। जो total number of matches हुए हैं वो कितने हुए हैं, x हुए हैं, ठीक है। तो therefore क्या हो जाएगा, 40% x का कितना होगा, 10 होगा। तो 40% of x equal to 10। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा इस तरीके से, आपको आंसर मिल जाएगा 25 मैचेस। लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्ले इन ऑल इक्वल टू 25, ठीक है। सन में आ रहा है, सेम उसी टाइप का कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अरुण बाइज अ स्कूटर फॉर ₹48,000। अरुण ने एक स्कूटर खरीदा 48,000 का, मीन्स ये CP है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं बाइंग प्राइस, एंड सेल इट फॉर ₹52,000। और उसने उसको सेल कर दिया 52,000 में, सेलिंग प्राइस है। देखिए 48,000 का खरीदा, 50,000 में सेल, 52,000 में सेल किया, तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने ज़्यादा में बेचा है तो हमें प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो जैसे हमसे डिक्रीज परसेंट पूछा था हमने डिक्रीज निकाला था, वैसे हमसे अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे ना कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो 48,000 में खरीदा, 50,000 में बेचा, 52,000 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4,000 का ना। चलिए हम यहाँ लिखेंगे पहले गिवन। तो गिवन हमें क्या है, यहाँ पे CP दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना ₹48,000, सेलिंग प्राइस दिया है SP, दैट इज ₹52,000। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट। तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बस समझ के करिए, इस चैप्टर को समझना है आपको सिर्फ। तो प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ ज़्यादा होगी ना, तो CP माइनस SP करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, रुपीज़ कैसे नेगेटिव होगा, तो हो जाएगा SP, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तभी तो प्रॉफिट होगा, माइनस CP। तो ये कितना हो जाएगा, ₹52,000 माइनस ₹48,000, ठीक है। तो आ गया ₹4,000, ठीक। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, फॉर्मूला आप डायरेक्ट बता भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर तो प्रॉफिट होगा, अपॉन नीचे क्या होगा, पहले जो सबसे पहले होता है, मीन्स यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, पहले तो हम खरीदेंगे ही ना चीज़, मीन्स CP ही नीचे रहेगा, कभी SP नहीं रहेगा किसी केस में, ओरिजिनल ही प्राइस नीचे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे CP × 100, ठीक है। तो हो जाएगा 4,000 upon 48,000 × 100, ठीक है। रिड्यूस कर लीजिएगा इसको, हम रिड्यूस करके बताएंगे नहीं, फिर आप क्या करेंगे, रिड्यूस करिएगा तो आपको मिलेगा 25/3%, जिसको हम लिखेंगे तो आ जाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में 8 whole 1/3%, 25/3 आएगा रिड्यूस करने पे, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए टेबल कॉस्टिंग ₹400 इज सोल्ड फॉर ₹360, फाइंड द लॉस परसेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें लॉस परसेंट फाइंड करना, देखिए लॉस हो भी रहा है, टेबल खरीदा उसने 400 में और बेचा कितने में, 360 में। तो देखिए खरीदा ज़्यादा में, बेचा कम में, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन CP = this, SP = this, ठीक है। तो लॉस क्या होगा, वहाँ पे प्रॉफिट SP - CP होता था, तो लॉस क्या होगा, CP - SP। तो कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 40 रुपीज़ का। फिर लॉस परसेंट आप फाइंड कर लीजिएगा, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, सो लॉस परसेंट इक्वल टू, लॉस की बात कर रहा है तो लॉस अपॉन CP × ओरिजिनल प्राइस नीचे रहेगी, ठीक है। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, हमेशा ओरिजिनल प्राइस ही नीचे रहेगी, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 10%, ठीक है। कर लीजिएगा, सिर्फ यही 6 क्वेश्चंस थे आज के रिवीजन में, फिर नेक्स्ट रिवीजन भी इसी चैप्टर का है। अभी ये चैप्टर 3 दिन 4 रिवीजन है इसमें, ठीक है, 4 टोटल रिवीजन है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।